हेलो पाइसीज, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और जहां होंगे अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, अपने रिलेशंस का भी ख्याल रख रहे होंगे। पाइसीज बहुत ही इमोशनल डीप क्रिएटिव साइंस मेरे पाइसीज। लेट्स सी आपके मिड मंथ यानी कि 15 नवंबर से लेके महीने के एंड तक क्या एनर्जीज हैं, और आप मंथली रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने चेक नहीं की है तो आई बटन जो है आपके राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे, उसको क्लिक करिए एंड यू विल गो डायरेक्टली टू द वीडियो जो मंथली वीडियो है। एंड द फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द स्टार कार्ड एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द मून कार्ड। आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड दिस रीडिंग पाइसीज, तो एकदम सेम एनर्जी मुझे मिली हमारे एक्वेरियस के लिए, तो आप कहीं ना कहीं इनके साथ है, क्योंकि जो मून कार्ड है वो आपकी एनर्जी को दिखाता है। आपकी स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, पाइसीज और एक्वेरियस, कहीं ना कहीं कोई एक्वेरियस है आपके साथ इन्वॉल्व, और उनके बारे में था आपका सवाल। जब आपने रीडिंग देखी तो कुछ ना कुछ था आपके मन में जो आप जानना चाहते थे एक्वेरियस रिलेटेड, तो आई सी जो आपकी विश है वहाँ पे आएगी एक बूस्ट, एक स्टार्ट। एंड लेट्स सी रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। प्लीज गाइस माइंड, ये जनरल रीडिंग होती हैं, आपके साथ रेजोनेट करेगी कुछ पार्ट नहीं करेगी। जो रेजोनेट करती है यू कैन यूज इट बेस्ट, और जो ना करे उसके लिए आप क्या करेंगे, डू प्लीज बुक अ प्राइवेट रीडिंग विद मी। ओके, तो जो कार्ड है वो है डिसेप्शन। तो आप देखेंगे तो थीम मैच है यहाँ पे विद द मून कार्ड एंड डिसेप्शन। यहाँ पे है कन्फ्यूजन इन योर रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, आपका, आपके फैमिली का, आपका फ्रेंड्स के साथ का, इनमें से कुछ भी हो सकता है। व्हेन आई से रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू रोमांटिक रिलेशनशिप्स, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप, जैसा मैंने आपको बताया वो सब हो सकते हैं। यहाँ पे है एक अंधेरा, एक क्लाउडीनेस, जिसकी वजह से आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, और आपकी गट फीलिंग कहती है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, उन चीज़ों को आप उजागर करना चाहते हो। एंड डेफिनेटली वी हैव द लाइट ऑफ द स्टार, स्टार है यहाँ पे, और सितारों की रोशनी में आपको पता चलेंगी ऐसी बातें जो आप जानना चाहते थे। डिसेप्शन होगा आपका क्लियर। एंड लेट्स गेट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू पाइसीज विद द ओरेकल कार्ड। एंड वी हैव विच इज अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, इस डिसेप्शन से बाहर निकलने में आपको काफी टाइम लग रहा है, लगता है कि काफी लेयर्स हैं यहाँ पर ऑफ डिसेप्शन। वन ईयर फ्रॉम नाउ यानी कि 2022 के एंड तक की जो चीज़ है, जो आपकी विश है, ये होगी पूरी, बट डेफिनेटली पूरी हो रही है, दैट इज़ द गुड पॉइंट। ओके पाइसीज, आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग आई हो पसंद तो प्लीज़ करिए लाइक, सब्सक्राइब टू चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी और आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।